Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. मैं वैसे अभी ये देख रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमने ये इनॉग्रेशन किया, हाथ रख के टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है, तो मैं हैरान हूं कि ये जो अपोजिशन सारी ये टेक्नोलॉजी का क्यों नहीं वोटिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रुके हुए हैं, कि सारी दुनिया के अंदर वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आ गया है वोटिंग के ऊपर ताकि बेहतर तरीके से साफ और शफाफ हो। लेकिन ये मुझे हैरत है कि हमारी ऑपोजिशन को पता नहीं उस पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मशीन से डरे हुए हैं पता नहीं किस चीज से। मैं जी सबसे पहले अपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर आपको आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं, और फौज चौधरी आपको इसलिए कि जिस जुनून से आपने जेलम की जंग लड़ी है और अपनी सारी टीम को, अपनी प्लानिंग मिनिस्टर को असद उमर को, कि जिस तरह हमने कोशिश की बुरे हालात के अंदर, बुरे हालात आप सब जानते हैं, खैर ये तो कोई अच्छा, आजकल टेक्नोलॉजी और भी ऐसी हो गई है कि आप झूठ ही नहीं बोल सकते। कोई भी आके वजीर, वजीर आजम, वजीर आला कोई गलत चीज कहे, वो दो मिनट में आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर वो चेक करें और वो गूगल करके आप पता चलवा सकते हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो इसलिए ये वो दौर है जब लोगों को बड़े आराम से पता चल जाएगा कि किसने क्या काम किया। हुकूमत जब आई तो क्या हालात थे वो आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर पता चलवाएं कि क्या पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा था, आपका मोबाइल फोन बता देगा कि था। क्या बैरूनी खसारा सबसे बड़ा था, वो कहेगा था। क्या सबसे ज्यादा कर्जों की किस्तें वापस करनी थी इस किसी हुकूमत को, इस हुकूमत से ज्यादा किसी ने की है, वो कहेगा नहीं, ये सबसे ज्यादा उस हुकूमत ने मुल्क को संभाला जब सबसे बुरे हालात थे। उसके बावजूद हमारी कोशिश ये थी कि जैसे जैसे हम थोड़ा सा संभलें, तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि कैसे हमने अपने मुल्क में लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट करनी है। देखें मुल्क आगे कैसे बढ़ते हैं, जब वो आगे अपनी आने वाली नस्लों का सोचते हैं, वो आने वाली इलेक्शन का नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि हमने, हमारे बच्चे हैं 60% पाकिस्तानी इस वक्त 25 साल की उम्र से कम है, इनके लिए हमने क्या करना है। और ये जो चाइना आप देख रहे हैं दुनिया की देखते देखते 30 सालों में कहां से कहां पहुंच गया, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो चाइना की लीडरशिप थी उन्होंने दूर का सोचा। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि कैसे हमने अपने लोगों को गुर्बत से निकालना है, और फिर उन्होंने सोचा वो कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना को आगे लेके जाएंगे। तो जब तक आपके अंदर ये सोच नहीं होती, कौम आगे नहीं बढ़ सकती। कौम अगर सिर्फ इलेक्शन का ही सोचे कि अच्छा जी मैंने इलेक्शन जीतना है, अब से लेके तो मैं ये मेट्रो बना दूं ताकि वो 5 साल पहले फिर मैं अरबों रुपया उस पर खर्च करके तो मैं इलेक्शन जीत जाऊं, कौम आगे नहीं बढ़ती ऐसे। तो मुझे जो फख्र है जिस चीज पे कि हमारी हुकूमत ने अपनी आने वाली नस्लों का सोचा बनिस्बत के अगले इलेक्शन का सोचने का। और तो जब आप आगे का सोचते हैं तो सबसे पहला चीज आप क्या सोचेंगे कि पाकिस्तान को पानी की जरूरत है। हमारी आबादी जितनी बढ़ती जा रही है, हमारे पास जमीन भी है लेकिन हमारे पास पानी की आगे कमी आने वाली है। हमारी जो अनाज की जरूरियात हैं वो इतनी तेजी से बढ़ रही हैं सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान जब बना था, जो हमारा अब जो पाकिस्तान है वेस्ट पाकिस्तान तब था, उसकी सारी आबादी 4 करोड़ से भी कम थी। आज पाकिस्तान की आबादी पहुंच गई है 22 करोड़ पे। तो इतने ज्यादा लोगों के लिए हमने अनाज पैदा करना है, इसके लिए हमें और जमीन चाहिए। जमीन हमारे पास है लेकिन हमारे पास पानी की कमी है। तो उसके लिए पहली दफा 50 साल में
पहली दफा तीन बड़ी डैम्स बन रही हैं और इंशाल्लाह अगले 10 साल में 10 डैम्स बन रही हैं। 10 डैम्स, ये पहली दफा इस मुल्क की तारीख में आगे का किसी ने सोचा, क्योंकि ये डैम्स 40 40 साल पहले से प्लानिंग इनकी हुई हुई थी। जिस तरह अभी फवाद ने कहा कि ये जो नहर बनी है ये 1906 में सोचा था नहर बनाने का, तो ये क्यों नहीं सोचा गया कि ये हमारे लिए पानी इतना बड़ा जरूरी है, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, हमारे इलाके पड़े हुए हैं, तो कभी सोचा नहीं। इसलिए कि सिर्फ अगले इलेक्शन का सोचा। इसलिए मुझे फख्र है अपनी टीम पे, अपनी प्लानिंग पे, कि हम आगे का सोच रहे हैं। किसी ने सोचा था पाकिस्तान में दरख्त उगाने का? हमने जब शुरू किया 2013 में दरख्त उगाने के लिए, मजाक उड़ाया गया हमारा। किसी ने, यहां तो दरख्त कटे हैं, जंगलात खत्म कर दिए हमारे। हम बचपन में मैंने अपनी आंखों से ये छांगा मांगा, ये चूनिया, ये कुंदिया का जंगल, चीचावती, ये बड़े बड़े जंगल होते थे, ये अंग्रेज बना के छोड़ के गए थे। हमने वो जंगलों को भी तबाह करके रख दिया। हमने कोई नए जंगल ही नहीं बनाए, हमने नेशनल पार्क्स नहीं बनाई, हमने जो मौजूदा। और यही नहीं सोचा कि जब आप, अब लाहौर है, मैं लाहौर में बड़ा हुआ हूं, पैदा लाहौर में, बड़ा लाहौर में, लाहौर की, लाहौर तो सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था। लाहौर की आबो हवा जबरदस्त, नलके का पानी, मीठा पानी पीते थे सब। किसी ने सोचा नहीं पिछले 20 साल में जो इन्होंने दरख्त काटे हैं लाहौर में, अब जरा देखें लाहौर के लोगों का क्या हाल हुआ हुआ, आलूदगी किधर आसमानों पर पहुंच। किसी ने सोचा ही नहीं कि दरख्त भी लगाने हैं। तो ये पहली हुकूमत है जिसने अब तक 2.5 अरब दरख्त लगा चुके हैं, 2.5 अरब। और अगला, और इंशाल्लाह हमारा टारगेट है 10 अरब का। अच्छा, आप ये सोचें कि पाकिस्तान की दुनिया ने तारीफ किन चीजों पे की है। देखें, हम अपनी तो तारीफ करते रहते हैं, पिछली हुकूमतों ने अरबों रुपया हर रोज खर्च करते थे इश्तिहारों पे और मीडिया पे अपनी तारीफें करने के लिए, लेकिन दुनिया ने नहीं तारीफ की। ये वो मुल्क जब, अब ये हुकूमत है, बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में तकरीर कर रहा है और पाकिस्तान की मिसाल दे रहा है कि पाकिस्तान ने कितना जबरदस्त क्लाइमेट चेंज के लिए काम किया। फिर 100 साल में एक दफा इतना बड़ा दुनिया में बुरान आया जो कि कोरोना की वजह से आया। इस 100 साल में, ये दुनिया में 100 साल के बाद इतना बड़ा क्राइसिस आया, बुरान आया। इकोनॉमिस्ट मैगजीन, जो दुनिया की मानी हुई मैगजीन है, जो सारी दुनिया की तज्जिया करती है उनके हालात का, उनकी माईशत का, वो कहती है कि जो मुल्क सबसे बेहतरीन, नंबर वन मुल्क जिसने सबसे बेहतर कोरोना को हैंडल किया, अपने लोगों को भी बचाया उससे, हमारे अस्पतालों के अंदर भी तबाही नहीं मची जिस तरह साथ वाले मुल्कों में हुआ, और अपनी मईशत भी बचा ली, वो नंबर वन पे पाकिस्तान था। तो ये हम तो नहीं कह रहे। फिर जनाब हमारे दूसरे जो मुखालिफ हैं, वो बात ही, लोग गुर्बत बढ़ गई, तबाही हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में महंगाई का सैलाब आया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वो कहता है पाकिस्तान के अंदर हमारे दौर में गुर्बत कम हुई है। ये वर्ल्ड बैंक ने अपनी असेसमेंट की, हम नहीं कह रहे। कहने का मतलब ये है कि मुश्किल वक्त है, लेकिन इंशाल्लाह आपको ये पूरा एतमाद होना चाहिए कि ये जो आपकी हुकूमत है, जिस तरह कोरोना से अब तक आपको बचाया है, जिस मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले किए, जिस तरह हमने एक इदारा बनाया NCOC और सारे मुल्क को इकट्ठा करके फैसले किए, और जिस तरह आज हम बड़े फख्र से कहते हैं कि हम दुनिया में वो मुल्क हैं जो
सौ साल में एक इतना बड़ा बुरान आता है जो हम सबसे बेहतर निकले, इंशाल्लाह आगे भी अपने मुल्क को ये जो महंगाई का सैलाब ये बाहर से आ रहा है, तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं 3 महीने में, खदशा यह है कि वो और भी बढ़ेगा। बाहर से जो चीज़ें हम लेते हैं सब महंगी हो गई, जो फ्रेट है यानी जो बाहर से चीज़ें किश्तियों पे पाकिस्तान में आती हैं वो उसकी कीमत कुछ 6 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। ये सिर्फ सर्दियों तक है, क्योंकि हुआ क्या कोरोना में, जब सारा दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगाए गए, लॉकडाउन की वजह से यानी जब आपने इकॉनमी बंद कर दी तो वो सप्लाई का मतलब तजारत के अंदर इफेक्ट हो गया और उससे सारी दुनिया के अंदर मसले पने, चीज़ें गायब हो गई, खाने पीने की चीज़ें सब महंगी हो गई। तो ये कभी कभी इतना बुरहान आता है, आप इंशाल्लाह, मुझे पता है लोगों को मुश्किल है लेकिन इंशाल्लाह हम निकालेंगे। और एक आने वाले दिनों में इतना बड़ा हम एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसका मकसद ये होगा कि हमारे आम आदमियों की जो मुश्किलें पड़ी हुई हैं उनकी हम मुश्किलें आसान करें। एक बड़ा पैकेज लेके आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आएगा। अब मैं आता हूँ इस पे, ये जो लीला झेलम ये जो सड़क है, क्योंकि मैं ये सारा इलाका जानता हूँ और बचपन से जानता हूँ ये सारा इलाका, तो मैं हमेशा समझता था कि यहाँ सिर्फ अगर हम ये कनेक्ट कर दें इस तरफ, इसका ये जो आपको दिखा रहे हैं ये एक तो बड़ा खूबसूरत इलाका है, लिहाजा टूरिज़्म के लिए बहुत आगे जा के फ़ायदा होगा यार। और ये सिर्फ टूरिज़्म के लिए ये नहीं कि खूबसूरत इलाका है, यहाँ सबसे पुरानी पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, मतलब ये कि पुरानी एक मैं खुद ही यहाँ एक दफ़ा शिकार कर रहा था तो एक तुलेजा जगह है, वहाँ जाके किसी ने मुझे कहा जी वो ऊपर चकोर होते हैं, तो वह ऊपर एक पहाड़ी थी, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट थी और एक ऐसे पत्थर चारों तरफ क्या कह रहा हूँ क्लिफ्स थे, दीवार यानी दीवार की तरह थी, तो वो एक ही सड़क थी ऊपर जाने के लिए। तो जब ऊपर गया तो वहाँ एक पुराना कोई शहर देखा। मैंने बड़े लोगों से पूछा कि किसी को पता है वो शहर का? तो जब बड़ी देर के बाद फिर एक आर्कियोलॉजिस्ट को भेजा, एक PhD है हमारा KP में, उसने कहा ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना शहर है। तो हम किसी को इस तरह की सारा ये जो सॉल्ट रेंज है इसमें सारी पुरानी पुरानी जगह, अल बरूनी जो जिसने दुनिया का बहुत बड़ा मुसलमान साइंटिस्ट था, उसने आके यहाँ नंदना फोर्ट के ऊपर बताया था कि दुनिया का ये जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या है, यानी ये ऐसी जगह हैं। तो एक तो इससे वो फ़ायदा होगा, लोगों को फ़ायदा होगा इसमें, और यह सारा इलाका ऐसा, यह मदनियात बढ़ी हैं, ये इंशाल्लाह वहाँ इंडस्ट्री भी होगी बढ़ेगी। तो इस सड़क के आगे बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन मैं जो आज ख़ास आप सबके सामने चीज़ रखना चाहता हूँ वो ये कि हमें बताया गया कि जनाब बड़े हमारे दौर से पहले सड़कें बनी, वो पिछले जो आज कल लंदन में बैठे हुए हैं और वहाँ से कहते हैं बार बार दुख हजार करते हैं कि देखें पाकिस्तान के हालात बहुत बुरे हैं, तो वो अपने आप को शेर शाह सूरी भी कहते थे सड़कों बनाने पे। तो ये आज ज़रा देखें कि, और ये मैं इसे पंजाब को भी दाद देता हूँ और अपने NHA को भी दाद देता हूँ, नून लीग के 3 सालों में 645 किलोमीटर सड़क बनाई गई, तहरीक इंसाफ के 3 सालों में 1750 किलोमीटर सड़क बनाई गई, और जो अभी तक 5 साल में टेंडर हो चुके हैं, नून लीग के जो टेंडर हुए थे वो 2317 किलोमीटर थी, हमारे अब तक जो 3.5 साल में टेंडर हो चुके हैं वो है 3238 किलोमीटर। लेकिन ये कहानी नहीं है, इससे ज़्यादा जो मैं आपको कहानी बनाना चाहता हूँ वो ये है, और ये आपको पता चलेगा कि फ़र्क क्या है एक हुकूमत जब ऊपर हुक्मरान करप्ट होते हैं और एक हुकूमत जो करप्ट नहीं है, वो आवाम को उसका क्या फ़ायदा है? कई दफ़ा लोग कहते हैं जी करप्शन का, अच्छा जी करप्शन करप्शन लगाई हुई है, हमें इससे क्या,
हमें तुझे ये चाहिए, रोटी चाहिए वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें करते हैं। देखें, आप आज सारे जेलम से आए हुए, मेरी एक बात याद रख लेना, कभी वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता जिसके हुक्मरान और जिसके वजीर करप्शन करते हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कभी कभी वो मुल्क जिसमें कानून की बालादस्ती हो, जिधर जिधर हुक्मरान करप्शन ना कर सकें, जिधर कानून और इदारे इतने मजबूत हों, उधर कभी गुर्बत नहीं होती। गुर्बत उन मुल्कों में होती है जिधर हुक्मरान पैसा चोरी करना शुरू करते हैं। अब ये जो अब सड़कों की मैं जो आपको बताने लगा हूं, ये जरा देखें, आज है 2021, 2013 में और 2021 में आप खुद ही सोच लें कि कितनी महंगाई आई है। 2013 में 21 में हर चीज महंगी हो गई है, हर चीज महंगी हुई है। अब ये सोचें कि 2013 में, और ये वेबसाइट पे है, जिस तरह मैं कहा ना, अब आप झूठ नहीं बोल सकते, ये वेबसाइट के ऊपर ये अब रेट्स हैं और ये आप कोई भी चेक कर सकता है। तो 2013 में जो, और अपने दौर में ये जो नून लीग ने सड़कें बनाई, जो दो लेन की सड़क थी, दो लेन की सड़क, मैं इनके फर्क फर्क चार किस्म की सड़कें बनी है, एक है दो लेन की सड़कें उसमें, और जो आजकल के महंगाई के बावजूद जो आज रेट दिए जा रहे हैं 2013 में और 2021 में, उसमें 33.37% का फर्क है। हमारी ज्यादा सस्ती सड़कें बन रही हैं महंगाई के बावजूद। दो लेन में फर्क 33.3%, यानी फर्क है सड़कों में, यानी सस्ती सड़क बन रही है। नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट जो चार लेन की कंस्ट्रक्शन है, उसमें कितना फर्क है, हमारी उन्होंने जिस रेट पर सड़कें बनाई और आज कितनी बन रही, 53% कम पर आज रेट सड़क बन रही है। वो क्यों? क्योंकि ई टेंडरिंग होती है, इसमें दो नंबरी नहीं हो सकती। उसके बाद फिर जो मोटरवे के जो चार लेन के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें, और आज 19.6% सस्ती बन रही हैं आज। तो मैं सिर्फ आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप ये खुद सोच लें, क्यों हमने ज्यादा सड़कें बनाई हैं? क्योंकि हमने पैसा बच गया। और अगर उनका और आज का कंपेयर करें कि हमने कितना पैसा, अगर हम उस रेट पे सड़क बनाते हैं तो मजीद हमें कितना पैसा खर्च करना पड़ना था, 1,000 अरब रुपया। सो इन्होंने 1,000 अरब रुपया एक्स्ट्रा खर्च किया उन्हीं सड़कों पे, और ये है फर्क। 1,000 अरब रुपया आप खुद सोच लें कि उससे आप क्या क्या बना सकते हैं, आप तब्दील कर सकते हैं, आप सारे इलाके बदल सकते हैं, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, क्या क्या आप नहीं कर सकते। तो हमने अगर आगे ज्यादा सड़कें बनाई हैं, उसकी वजह यह है कि हमारी सड़कें आज इस महंगाई के बावजूद ज्यादा सस्ती हैं, और हमने एक, अगर उनके और आज में फर्क 1,000 अरब रुपया है, और ये किसी ने चेक करना है ये वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। तो ये किसके जेब में गया पैसा, ये किन लोगों की जेबों में गया? और ये सिर्फ मैं सड़कों की बात कर रहा हूं, और मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहा कि पावर प्रोजेक्ट्स में कितना पैसा और कितना लगना था और कितना इन्होंने ऊपर उसका कितना बनाया। ये जो बड़े बड़े लंदन के अंदर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां चला रहे हैं, ये सारा यहां से पैसा गया हुआ है। जो आज तक ये नहीं बता सकते कि जो 4 अरबों रुपए की आपने फ्लैट्स लिए हुए लंदन में, वो किधर से पैसा आया है? आज तक एक एक डॉक्यूमेंट नहीं दे सके कि पैसा किधर से आया, क्योंकि यहां से गया चोरी का पैसा। और मैं इसलिए आज अपनी हुकूमत को, उस्मान बुज़दार आपकी, पंजाब की गवर्नमेंट को मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं, और इंशाल्लाह 5 साल के बाद जो मुझे जो आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों चाहते हैं कि जल्दी, जिस दिन से हम आए हैं कहते जी गवर्नमेंट को गिरा दो, आज गई तो कल गई परसों गई, वो क्यों चाहते हैं ये? क्योंकि उनको पता है कि 5 साल के बाद इंशाल्लाह जो गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखी जाएगी, इनको खतरा है कि इनकी सियासी दुकानें बंद हो जाएंगी। शुक्रिया।